हाय, मैं स्माइली सूरी हूँ और आप देख रहे हो वायरल बॉलीवुड। हैव फन। मैं हमेशा डांसर थी। कलयुग करने से पहले और भट्ट साहब और मोहित को असिस्ट करने से पहले मैं शामक के साथ डांसर थी बचपन में। मेरी मम्मी की डेथ के बाद मेरी नानी ने मुझे शामक्स में डाला। जब शामक ने शुरुआत की थी तो मैं उनके साथ टीचर बनी। 16 साल की उम्र में मैं बच्चों को सिखा रही थी, उनके साथ ट्रैवल कर रही थी। कोई बुरी कंपनी में नहीं पड़ी इसलिए क्योंकि मैं डांस कर रही थी, तो डांस ने हमेशा मुझे बचाया है। उसके बाद मैंने सालसा सीखा, संदीप सोपारकर के साथ बॉल रूम सीखा और काफ़ी डांस फॉर्म सीखे। एरियल आर्ट्स मैं कर रही थी, मलखम कर रही थी उदय देशपांडे के साथ। लेकिन कुछ कमी सी महसूस होती थी, कुछ ऐसा लगता था कि मैंने मुझे एक चैनल भी शुरू करना था डांस के ऊपर, क्योंकि डांस ने हमेशा मुझे बचाया है। चाहे वो मेरी मम्मी की डेथ के बाद या पापा की डेथ के बाद या हर चीज़ के बाद। और मैं बचपन से ना डिसलेक्सिक थी। जैसे आपने तारे ज़मीन पर देखी होगी, तो मैं तारे ज़मीन पर थी। मुझे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड के बीच में अभी भी, इसलिए मैं रिंग्स पहनती हूँ कि राइट पता चले, लेफ्ट पता चले। मैं अभी भी अपनी उंगलियों पे गिनती हूँ। तो डांस में एक टीचर ने मेरी नानी को बोला था कि इस लड़की को डांस में ज़रूर डालना, क्योंकि इसकी ओरिएंटेशन राइट लेफ्ट सब ठीक हो जाएगा। तो मैं फिर भी खालीपन महसूस करती थी। और पापा की डेथ के बाद तो बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। मुझे पता भी नहीं था कि मुझे डिप्रेशन है। मतलब सालों का जो बिल्ट अप डिप्रेशन था मम्मी की डेथ के बाद, नानी की डेथ के बाद, पापा की डेथ के बाद, वो एक साथ अंदर जैसे चल रहा था। मैं सिर्फ भाग रही थी। तो एक दिन मैं कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हुई और नुसरत खान जो है, मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, इमरान खान की मम्मी, उन्होंने ये मुझ में देखा और उन्होंने कहा तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो खुद साइकियाट्रिस्ट है। तो उन्होंने मुझे एक डॉक्टर अमित कुलकर्णी साइकियाट्रिस्ट के पास भेजा और उन्होंने मुझे बताया कि पता है तुमने बचपन से सब चीज़ें अंदर रखी है, तो ये जैसे तुम निकाल नहीं रही हो। तुम बॉडी में निकाल लेती हो डांस और एक्सरसाइज करके, लेकिन मेंटली तुम उस वो 8 साल की लड़की ही हो जो बड़ी नहीं हुई। इस बात का भी डिप्रेशन था कि बॉलीवुड में ज़्यादा काम नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने मुझे ट्रीट किया, थेरेपी दी और उसी दौरान मैं दुबई गई थी, पता नहीं कोई हॉलिडे के लिए, एरियल आर्ट्स लर्न करने के लिए, एरियल सिल्क। और उस दिन पता नहीं है आप भगवान की देन बोलो या क्या बोलो, एरियल टीचर नहीं आई और एक पोल टीचर अंदर आ गई। तो उन्होंने कहा मैं आपको पोल सिखाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने तो कभी किया नहीं है। तो उन्होंने पोल क्लास मुझे दी और उसके बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे मेरा मकसद, ज़िंदगी का मकसद मिल गया है। क्योंकि पोल में मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ फ्रॉम अ गर्ल टू अ वुमन। पोल डांसिंग मुझे पता है क्योंकि स्ट्रिप बार्स और ये सब के वजह से बहुत बदनाम है, लेकिन एक्चुअली वुमेन के लिए और सब के लिए, अगर आप याद रखो हम जब इतिहास में और when we were mankeys हम लोग क्लाइम करते थे, तो क्लाइंबिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। पोल पे डांस करना, पोल अभी एक स्पोर्ट है ओलंपिक्स में, तो सिर्फ ट्रिक्स नहीं होते, मतलब ट्रिक्स होते हैं लेकिन उसमें डांस भी होता है, क्योंकि माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन होता है। जो आई फील, इसलिए मैं बच्चों की क्लास भी शुरू कर रही हूँ। माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन होता है, डिसलेक्सिया, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, हर चीज़ के लिए पोल इज़ द सोल्यूशन। थायरॉयड, पीसीओडी, मुझे खुद थायरॉयड है, पीसीओडी था जो चला गया पोल के वजह से। मैं अपने पोल को अपना त्रिशूल मानती हूँ
और मैं चाहती हूँ कि इंडिया में ये पोल रेवोल्यूशन औरतों के लिए, मैं चाहे कल हूँ या ना हूँ, हर लड़की पोल करे, क्योंकि उसमें इतनी फिटनेस है और इतनी इतना एम्पावरमेंट है, एंड इट इज़ सो, इट मेक्स यू फील सो गुड, सो स्ट्रॉन्ग. और पोल में योगा है. जब मैंने अब्रॉड ट्रेनिंग की, मैंने देखा यार ये तो योगा कर रहे हैं, ये तो हमारा है. और तो मैं अपने वार्म अप्स योगा के रखती हूँ. और 3 महीने में मेरे पास 16 साल की लड़कियाँ आती हैं और 60 साल की औरतें भी आती हैं. 3 महीने में वो अपने हेड स्टैंड कर सकती है, शोल्डर स्टैंड कर सकती है, पोल क्लाइंब कर सकती है, और वो खुद इतनी बदलती हैं. तो मेरा पोल स्टार जो स्कूल है, पोल स्टार इंडिया का मकसद यही है, इफ़ आई कैन यू कैन. और आई जस्ट फील ओनली एम्पावर्ड वुमेन एम्पावर वुमेन. मतलब अगर आप एक स्ट्रॉन्ग शख्सियत हो, आप एक स्ट्रॉन्ग वुमेन हो, आप एक दूसरी औरत को, मेरा दिन में यही मकसद रहता है कि पोल के ज़रिए मैं एक औरत को थोड़ी स्ट्रेंथ दूँ. एक औरत को एक दिन में अगर उसे वो खुशी महसूस होती है और वो फेमिनिटी महसूस होती है, और क्यों ना हम सेक्सी बने, क्यों ना हम अच्छे दिखे. हम ये कहते हैं ना कि नहीं, ये हम आदमियों से आगे हैं एंड वी आर इक्वल टू मैन. नहीं, हम आगे नहीं हैं. हमें औरत बन के रहना ज़रूरी है. क्यों ये थायराइड, टेस्टोस्टेरोन, पीसीओडी, क्यों बीमारियाँ आ रही है? पहले हमारी नानी दादी को तो ये बीमारियाँ नहीं थी. ये सब आज क्यों आ रहा है? क्योंकि औरतें अब औरतों की तरह बिहेव नहीं कर रही. हमें औरत बनना ज़रूरी है. और वी आर द लैंड ऑफ द कामा सूत्रा. तो क्यों ना हम वो देवी एनर्जी जो है, वो जो फेमिनिटी है, वो जो दुर्गा है, या वो जो भी है, उससे अंदर से हम उसको हम आभार लेके आए. और बहुत ज़रूरी है कि हम औरतें ही रहे और बी सेक्सी, बी ब्यूटीफुल. मैं तो अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि जब आपको कुछ नहीं होता ना, दिन में लिपस्टिक लगा के बैठ जाओ, काजल लगा के बैठ जाओ, कुछ मत करो, फील ब्यूटीफुल. रोज़ उठो, आईने में देखो, एक हार्ट बनाओ. मैं तो अपने आईने में एक हार्ट बनाती हूँ रेड लिपस्टिक के साथ, और मैं उसमें देख के बोलती हूँ, स्माइली, यू आर ब्यूटीफुल. और मेरा पोल सच्ची मेरा त्रिशूल है, क्योंकि जब मैं उस पर, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ना कोई फ्रेंड्स, ना कोई फैमिली. मैं सिर्फ अपने पोल के साथ इतनी खुश होती हूँ, एक्सरसाइज करके, डांस करके. सो आई फील दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर फॉर इंडियन वुमेन. और ये हमारे कल्चर में रहा है. मलखम हमारा था. पेशवाज ने झांसी, रानी की झांसी मलखम करती थी. हाँ, मलखम था रेसलिंग के लिए. मलखम, कलरी पाइतू, ये सब थे हमारे आर्ट्स जो ब्रिटिश के रूल में दब गए. लेकिन मलखम भी पोल ही तो है, तो हमारी हिस्ट्री में रहा है. हाँ, एक टाइम पे तो कथक भी बदनाम था, एक टाइम पे बेली डांसिंग भी बदनाम थी, पोल बदनाम था, लेकिन अभी स्पॉट बन गया है. कथक मुगल राज में बदनाम था, बेली डांसिंग बदनाम हुई, बट एक्चुअली इट इज़ अ डांस फॉर द गॉडेस. जो लड़कियां बेली डांसिंग करती है, वो नेचुरली कंसीव कर सकती हैं. पोल डांसिंग भी जो लड़कियां करती हैं, वो थायराइड, पीसीओडी और बहुत जो विमेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, वो फाइट कर सकती हैं. मैंने खुद किया है, और नेचुरल डिलीवरी कर सकती हैं. सो इट, आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपके कोर को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके माइंड को स्ट्रॉन्ग करता है, आपको हैप्पी ब्यूटीफुल फील करवाता है. सो इसलिए मेरा चेंज ओवर हुआ. और मैं बहुत सहमी सी, बहुत डरी हुई, बहुत प्रोटेक्टेड फैमिली में थी. कलयुग में जिस रूप में आपने मुझे देखा, मैं वैसी ही थी. तो इंडस्ट्री के धक्के, मैंने बहुत सहा है. उससे निकल के ये रूप धारण करना, मैं सिर्फ पोल डांसिंग और अपने पोल फिटनेस और पोल स्टार को ये यू नो क्रेडिट दे सकती हूँ. वो कौन सा दौर आया जब आपने आपको लगा कि मैं आपको ये पढ़ दूँ? कौन सा वक्त आया आपके? बहुत वक्त आया, बहुत वक्त आया. जब मेरे डैड की डेथ हुई 2010 में, जब काम नहीं मिल रहा था, अच्छा काम नहीं मिल रहा था, कलयुग जैसा काम नहीं मिल रहा था 2007 में, जब मेरी नानी की डेथ हुई 2012 में, एक दौरान ऐसा भी लगा, मतलब मोहित आगे बढ़ रहा था, इमरान आगे बढ़ रहा था, मेरी फैमिली में सब आगे बढ़ रहे थे,
लेकिन मैं फंसी हुई थी, मैं अकेली थी, और मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि मुझे खुद की शख्सियत बनानी पड़ेगी, मुझे खुद अपने पैरों पे खड़ा करने वाला हो कर करना होगा। मैं किसी के लिए इंतज़ार नहीं कर सकती कि मोहित मेरे लिए एक फिल्म लिखेगा, या इमरान मुझे लॉन्च करेगा, या भट्ट साहब कुछ और करेंगे। मैं थक गई थी वेट करते करते, और तब उस दौरान डिप्रेशन से निकल के मुझे मेरा पोल मिला। क्या आज भी आपको लगता है कि लेट महिलाओं के लिए बॉलीवुड इंडस्ट्री खराब? सॉरी, क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में महिलाओं के लिए बहुत स्ट्रगल है कंपेयर करें मेंस के लिए? मेन के लिए भी स्ट्रगल है, विमेन के लिए भी स्ट्रगल है, सबके लिए स्ट्रगल है, बहुत जरूरी है। यस, आउटकमर्स के लिए भी स्ट्रगल है, लेकिन देखने को जाओ तो मैं तो फैमिली में थी, मेरे लिए भी स्ट्रगल थी। लेकिन आप अगर देखो, शाहरुख खान, दिलीप कुमार सब फैमिली से नहीं आए हैं, सुभाष घाई, बहुत लोग इंडस्ट्री में, आपको पता है टाइमिंग, लक, जैसे ये मेरा टाइमिंग था पोल में रेवोल्यूशन करने का, ये मेरी जर्नी थी, आपको अपनी जर्नी ढूंढनी है। अगर फिल्म इंडस्ट्री में नहीं हो रहा है तो आजकल कितनी चीज़ें हैं, वेब सीरीज़ हैं, टेलीविज़न है, कितने और ड्रामा है। मुझे स्टेज बहुत पसंद है, मैंने एक प्ले भी किया था, कॉमेडी डबल ट्रबल। फिलहाल फिल्म्स पोल पहले आता है, उसके बाद फिल्म, उसके बाद थिएटर, और एक दिन मैं खुद का एक म्यूज़िकल लॉन्च करना चाहती हूँ पोल और एरियल के साथ, जो बहुत जल्द होगा, और मैं खुद का स्टूडियो खोलना चाहती हूँ। तो आपको अपनी स्ट्रगल में, अपनी स्ट्रगल को थोड़ा वक्त दो, अपने लक को, अपने टाइमिंग को आज़माओ। अगर नहीं हो रहा है तो शायद आप किसी बेटर चीज़ के लिए बने हो। दैट इज़ माई ओनली, यू नो, मैं अपना इंसिडेंट से बता सकती हूँ कि वो मैं एक ही चीज़ कह सकती हूँ। जी जी, बहुत प्रॉब्लम्स आई मेरे पास, बहुत ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड को मैंने बोला है मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जा रही हूँ, लेकिन मैं आपका क्लास, और टाइम पे आते हैं और क्लास करके जाते हैं, पैसे दे देते हैं, लेकिन वो कहते प्लीज़ मेरा वीडियो आउट मत करना। मैंने कहा पागल, अपना वीडियो आउट करके अपने हस्बैंड को दिखाओ, वो और तुम्हारे पीछे पागल पड़ेगा, किसी और के साथ नहीं जाएगा। और ये क्यों एक धब्बा पड़ गया, क्योंकि पोल आया था स्ट्रिप बार से, लेकिन एक जिनसे मैंने सीखा, बॉबी उनका नाम है, उनका एक स्कूल सिंगापुर में था, मैं जाना चाहती हूँ ऑस्ट्रेलिया स्ट्रेट बॉबी से सीखने के लिए। बॉबी पहली एक डांसर थी जिन्होंने पोल को स्ट्रिप बार से निकाल के कंपटीशन में डाला। तो जब उन्होंने कंपटीशन में डाला, उन्होंने पोल से पूरा अपना जैसे जो डांस था वो निकाल दिया, उसने सिर्फ ट्रिक्स रखे, जैसे हम टंबल कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर उसकी, और अभी पोल स्पोर्ट ने नया रूल निकाला है कि आपको डांस भी करना पड़ेगा, वर्क भी करना पड़ेगा, चेयर भी करना पड़ेगा, तभी आप क्लियर कर सकते हो। तो इसका मतलब हर चीज़, डांस बोलो या पोल में फ्लो वर्क होता है, ट्रिक्स होते हैं, क्योंकि अगर आप सिर्फ ट्रिक्स करो तो आप सर्कस में भर्ती हो जाओ, उसमें आर्ट क्या है? ट्रिक्स तो मैं आपको कल सिखा सकती हूँ, लेकिन उसको डांस के साथ डालना वो बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक हमें इसे पॉजिटिवली पोल फिटनेस कहना चाहिए, और ज़रूर इंडिया में, आई एम सो श्योर, इंडिया में ये आगे बढ़ेगा, और लड़कियाँ बहुत जल्दी, मेरे स्टूडेंट्स ही अपने वीडियोस निकालेंगी, वो अपने खुद के, मतलब बोल्डली कहेंगी। मेरी सिस्टर इन लॉ थी, कल मैं गई थी अपनी मासी के घर पे, और मेरी सिस्टर इन लॉ मेरी मासी को कह रही थी, मतलब उनकी तो वो क्या हुई, क्या बोलते हैं, उनकी वो बहू हुई, तो वो मेरे साथ पोल डांसिंग कर रही है, और उसने सीधा अपनी मदर इन लॉ मेरी मासी को कह दिया कि मुझे अपने मम्मी मुझे अपने रूम में एक पोल डालना है। तो मेरी मासी कह रही थी क्या रबिश, तुमको रूम में क्यों पोल डालना है? बोले नहीं, मुझे डालना है मुझे। तो मैंने कहा वाह, मैंने कहा मासी ये है मेरा रेवोल्यूशन, जस्ट जब हर घर में लड़की पोल डालेगी तो उसका हस्बैंड बाहर क्यों जाएगा? Okay, सिंपल एज दैट। आज भी हमारे भारत के कई समाजों में जो पोल पर डांस करते हैं महिला को अलग नजरिए से देखते हैं, तो उनसे के बारे में क्या कहना, क्योंकि वो अनएजुकेटेड है, उन्होंने पोल फिटनेस की नहीं है,
मैं चाहती हूँ कि मैं इसलिए पोल को लेके विलेजेस में जाना चाहती हूँ, बॉम्बे से बाहर, सूरत, अहमदाबाद. इनफैक्ट मुझे कॉल्स आते हैं सूरत, अहमदाबाद, पुणे से कि आप यहाँ पे पोल स्कूल खोलो. वहाँ बाहर और लोग करना चाहते हैं, तो मैं तो विलेजेस में और महिला आश्रमों में लोग जाके पोल करवाना चाहती हूँ उनको, ताकि वो स्ट्रॉन्ग फील करे और उनको लगे कि भाई ये तो हम कर सकते हैं. और वहाँ की महिलाएं विलेजेस में तो और बेटर करेंगी. मैंने अपनी लड़की पल्लवी, जो मेरे लिए काम करती है, वो बैंगलोर के एक छोटे गांव से है, तेलुगु है, मैंने उसको अपने नाइट पे, मेरी जो बर्लेस्क नाइट थी, मैंने उसको डांस करवाया. तो उसने तो अपना मंगलसूत्र, अपना सिंदूर सब डाल के उसने डांस किया. मैं आपको उसका वीडियो भी भेज सकती हूँ. और वो आज एक नई नई लड़की है, आज सलवार कमीज से ज़्यादा मतलब ये पहनती है ये, और पूजा पाठ भी करती है, अपने हस्बैंड से भी प्यार करती है, अपने बच्चे भी संभालती है, मेरा घर भी संभालती है. और मुझे कल ही बोल रही थी वो कि मैडम आप मुझे और कब सिखाओगे. मैंने कहा दुबई से वापस आके तेरे को फिर उल्टा टांगती हूँ. फिट रखने के लिए पोल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एक बार आप पोल डांसिंग करो तो आपको जिम की ज़रूरत बिल्कुल नहीं. तो जिम में जो आप 50,000 भरते हो वो मुझे दे दो. आपको, क्योंकि आप खुद का बॉडी वेट उठाते हो, तो पोल डांसिंग में आपको योगा ज़रूरी है. मैं योगा करती हूँ. कार्डियोवैस्क्यूलर या रनिंग या वॉकिंग, जिस दिन आप पोल करते हो उस दिन कुछ मत करो. प्रोटीन ज़्यादा खाओ, मैं खाती हूँ पनीर या चिकन या जो भी, आप अगर वेजिटेरियन हो तो टोफू. और बस दूसरे दिनों पे आप वॉकिंग रनिंग करो, योगा करो, मैं वो ही करती हूँ, और डांस करो, मस्त रहो, खुश रहो. बस खुशी बहुत ज़रूरी है, पोल के बाद कमाल की नींद आती है. पता नहीं, मैं बहुत 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 एक्साइटेड हूँ. मेरी फेवरेट टीचर जिनका नाम है मैरी ऑन क्रैम्प, वो मुझे फॉलो भी कर रही हैं, तो मैं बहुत इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने से पहले मैं तो डर जाती हूँ और कि वो मुझे फॉलो कर रही हैं. और वो जैसे पोल की अमिताभ बच्चन हैं, और वो वहाँ पे होने वाली हैं, और उसके अलावा बहुत बड़ी टीचर्स होने वाली है, और उनको बिलीव ही नहीं हो रहा कि इंडिया में पोल है. तो मैं चाहती हूँ कि मैं उन टीचर्स को यहाँ लेके आऊँ. उनको लगता है इंडिया में सांप हैं, बैल हैं और कैमल हैं, लेकिन पोल नहीं है. तो मैं, वो बिलीव नहीं कर रही है कि पोल मैंने शुरू किया है, पोल स्टार यहाँ पे, और मैं बिलीव नहीं कर रही हूँ कि मैं उनसे मिल सकती हूँ. और मैं, फिंगर्स क्रॉस्ड है मेरे कि मैं उनको यहाँ ले आ सकूँ. तो वो जब मुझ में बिलीव करेंगी और ये जब अवेयरनेस फैलेगी तो मैं उनको यहाँ ला सकूँगी. इसके अलावा फाइनली मैम, जैसे कि मालूम पड़ रहा है कि आप ओलंपिक में शायद पार्टिसिपेट करने वाले हैं, मुझे करना है, बहुत करना है. इस तरह का प्रिपरेशन होने वाला है, वो हकीकत प्रिपरेशन लगेगा उसके लिए, बहुत लगेगा. काफी डिफिकल्ट होता है वो ओलंपिक से पार्टिसिपेट करना, बोला जाता है बहुत डिफिकल्ट होता है. लेकिन माइंड यू, जो जो ओलंपिक्स जीती हैं लेडीज, वो 50, 60, 70 ईयर्स की हैं. तो मुझे, मेरे पास वक्त है. हो सकता है एट दी एज ऑफ 50 या 60 मैं पोल स्पोर्ट जीतूँ या कहीं आ जाऊँ, बट ये मुझे करना है अपने लिए. ये इससे कुछ होगा नहीं, मतलब जीत गई तो जीत गई, नहीं जीती तो एटलीस्ट मैंने एंट्री की. थैंक यू. थैंक यू.